और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की याचिका दायर की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लनो हसनैन मसूदी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 हटाने के केंद्र के फैसले को असंवैधानिक बताया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। हालांकि पार्टी के आला नेता इस बात को पहले से ही कह रहे थे कि कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसके लिए भले ही हमें कोर्ट क्यों ना जाना पड़े, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। ये एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता रहे थे किस तरह से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान बौखला गया है, लेकिन हमारे ही देश के नेता किस तरह से बौखला गए हैं, उनकी बौखलाहट इस खबर को देख के आप समझिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लगभग दो दिन पहले की तस्वीर है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला पत्रकारों के सवालों के बाद गुस्से में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि कैसे हमारे साथ गलत हुआ है। दरअसल दिक्कत ही ये है कि वहां के जो नेता हैं उन्हें ये नहीं लगता कि क्या फायदा इस राज्य को होने जा रहा है, उन्हें ये लगता है कि उन्हें क्या घाटा हुआ है।